कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। घरों में सीवरेज मिला पानी आने से बीमारियां फैलने लगी हैं। जुनैरा आदिल की रिपोर्ट दिखाएंगे। कराची के इलाके लांडी 6 के मकीन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली का खमियाजा भुगतने लगे। इलाके के घरों में अरसा दराज से पीने का पानी मयसर नहीं, रिहायशी पानी न होने से बूंद बूंद को तरसने लगे। इलाका मकीन कहते हैं कि वाटर बोर्ड को दरख्वास्तें देने के बावजूद कोई अमल दरामद न हो सका। से ये मसले मसाइल यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वाटर बोर्ड इंतजामिया किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं ले रही है। साल साल पानी आता ही नहीं है, किस तरीके से गुजारा करें? अभी भी हम लोग के लिए घरों में पानी नहीं है। शहरी मजबूरन टैंकर और बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने लगे। हमें तो पानी मिलता ही नहीं, और अगर मिलता भी है तो बदबू वाला पानी आ रहा होता है। अरे पानी नहीं हम लोग पीने के लिए, पूरा इलाका पानी के लिए परेशान है। वो खरीद के लाके पी रहे पानी, यहाँ पर पानी इधर आता ही नहीं, पैसों का तो लेके आ रहा हूँ फिल्टर से। लांडी के इलाका मकीनों का कहना है गुज़िश्ता एक साल से पानी का मसला चल रहा है। रिहायशी वाटर प्लांट से पानी खरीद के पीने पर मजबूर हैं ताकि बीमारियों से बचा जा सके। लोग पुर उम्मीद हैं कि वाटर बोर्ड इंतजामिया इस पानी के बहरान को ख़त्म करके इनके मसलों को जल्द हल करेगी। कैमरामैन अदनान के साथ जुनैर आदिल, आज न्यूज़ कराची।